Good morning, dear students. Dear students, your fourth chapter is running, okay? Yes, so in last class, we discussed about that chapter, okay? So today, we shall do the complete question answer, okay? So that's your fourth chapter, windows. Seven. So just let's revise about that. So students, you know what is the Windows 7? Windows 7 is the most recent version of Microsoft Windows. Okay, who developed that? Who produced that Windows 7? Microsoft company. Okay, student. Yes, Windows 7 कौन आता है students? Microsoft. Okay, and the main function of Windows 7 is to start and restart a computer, and otherwise all over controlling by Windows 7. Okay, yes. So the main function of Windows 7 is to start and restart a computer. Okay, student. And the first screen that appears after turning on the computer is called display. Okay student, yes. आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो स्टूडेंट, जो पहला स्क्रीन आता है आपका वो क्या होता है स्टूडेंट? डेस्कटॉप होता है. ओके, क्लियर? और एंड अदर थिंग्स, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. ओके स्टूडेंट, यस. सो यहाँ पर डेस्कटॉप आपने कंप्यूटर ओपन किया स्टूडेंट, और जो फर्स्ट आया स्क्रीन वो क्या होता है? डेस्कटॉप. और उसके बाद डेस्कटॉप पे स्टूडेंट राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में स्मॉल स्मॉल पिक्चर होते हैं, वो क्या कराते हैं स्टूडेंट? आइकन कराते हैं. ओके, यस. एंड स्मॉल सेव्ड स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन, एंड द स्मॉल सेव्ड बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर दैट वन. सपोज योर डेस्कटॉप, सपोज तो लेफ्ट कॉर्नर दिस वन, ओके, ऑफ द टास्क बार. एंड लास्ट लाइन ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार. ओके स्टूडेंट, नीचे की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? टास्क बार. ओके, और इसी टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टूडेंट क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है. ओके, दैट मीन्स विंडोज की. ओके, एंड द स्टार्ट मेनू, व्हाट इज द स्टार्ट मेनू? सो स्टार्ट मेनू इज द मेन गेटवे टू आवर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ओके, इसी स्टार्ट विंडो में स्टूडेंट क्या होता है? कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम होते हैं यहाँ से ही ओपन होते हैं. ओके, सारे कंप्यूटर प्रोग्राम की लिस्ट कहाँ होती है? इस स्टार्ट बटन के पास होती है. ओके स्टूडेंट, यस. जस्ट लाइक पेंट, एमएस पेंट, ओके, एमएस वर्ड, एक्सेल, यस, गेम्स, ओके, कैलकुलेटर. सो ऑल टाइप एप्लीकेशन अवेलेबल इन द स्टार्ट बटन. ओके स्टूडेंट, क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज ए रेक्टेंगुलर एरिया सराउंडेड बाई ए फ्रेम, एंड टाइटल बार ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड ए प्रोग्राम विंडो. ओके, सो ए रेक्टेंगुलर एरिया सराउंडेड बाई ए फ्रेम, सो दैट्स एंड ए टाइटल बार. यू नो स्टूडेंट, टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हो, प्रोग्राम दैट मीन्स एमएस पेंट, एमएस वर्ड, यस, दिस इज अ प्रोग्राम. सो आप प्रोग्राम ओपन करते हो स्टूडेंट, तो टॉप पर जो लाइन होती है वो क्या होती है? टाइटल बार. यस, आपने प्रोग्राम ओपन किया तो यहाँ पर आएगा एमएस पेंट. ओके, लिख करके टॉप पर, तो वो क्या होती है? टाइटल बार लाइन. ओके स्टूडेंट, यस. एंड द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम विंडोज आर टाइटल बार, क्यूब एक्सेस टूल बार, प्रोग्राम बटन, रिबन एंड कंट्रोल बटन. ओके, यस. और राइट साइड में जो शील्ड होता है यहाँ पर टाइटल बार में क्या होता है? कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीसाइज. ओके, एंड एरो पिक बटन इज द न्यू फीचर अवेलेबल इन विंडोज 7. ओके स्टूडेंट, सो कंप्लीट दैट. एंड स्टूडेंट, वन मोर
आप स्टूडेंट कंट्रोल बटन ओके किसी अपने विंडोज को ओपन किया है ओके अब उस प्रोग्राम को बंद करना है क्लोज करना है स्टूडेंट तो आप कैसे करोगे या कंट्रोल बटन क्रॉस बटन क्लिक करो या फिर शॉर्टकट यूज कंट्रोल सीटी आर एल प्लस एफ फोर ओके सॉरी अल्ट प्लस एफ फोर एज ए शॉर्टकट की टू क्लोज द ओपन विंडो ओके आपने कोई फॉर दैट क्लोज ओके स्टूडेंट अल्ट एफ फोर से क्या होता है किसी भी ओपन प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट so that's complete your look first question a tick the correct answer so your first question The starting up and restarting procedure of a computer is called student booting. Okay, so second answer. Okay, student. Question क्या पूछ रहा है? Starting, start और restart के procedure को क्या कहते हैं? Student होने को booting कहते हैं. Okay, student. And second question is. The screen that appears after turning on the computer is जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो स्टूडेंट कौन सा स्क्रीन आता है डेस्कटॉप यस सो फर्स्ट ऑप्शन ओके एंड थर्ड द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द डेस्कटॉप So that's student third mouse pointer. Okay, and fourth on the left corner of the title bar on the left side that one. Fourth student program button quick access toolbar ribbon. So quick access toolbar represent. On the title bar left side, quick access and fifth the button used to instantly minimize all the opened window. So second option answer of this question. Minimize button. Okay, do that. Write down in note your book. Okay, student. And your next question and B section answer the following.
be very short answers. First question, name the most recent version of Microsoft Windows. So write the answer student, Windows 7 is the most recent version of Microsoft Windows. Okay, student? Yes. This answer according by your book. Okay? Yes, student. Because nowadays a more recent version available in the market, but in your book explanation about the Windows 7. Okay, yes, so that's your answer is Windows 7 is the most recent version of Microsoft Windows. And second, define mouse pointer. Okay. The small arrow moving on the desktop according to the movement of the mouse is a mouse palm pointer. Okay. The small arrow moving on the desktop according to the movement of the mouse is a mouse pointer. And your next question, what does a taskbar contain? So, taskbar contains start button clock cue place find the programs we have opened. Okay, student. Taskbar contain start button, clock, and cue place to find the programs we had opened. Okay. And fourth question: how can you open start menu?
How can you open start menu? So fourth, to open start menu, first click on start button, okay, and that the start menu will appear, okay. Yes, how to can you start? So just click on the start button on the taskbar left side, okay student. And fifth question, clear? And your fifth question, what is the most common use of start menu? Okay, what is the most common use of the start menu? So write the answer. The start menu is the main gateway to our computers programs folders and setting. Okay student, the start menu is the main gateway to our computer's program folder and setting. Write down student, five question answer. Complete. And sixth question, name the two tabs or level in program window. Okay student, so sixth question, name the two tabs or level. So home tab and view tab or level in program window. And seventh question, where are the control buttons located? So the control buttons are
located on the right side of the title bar. Okay. And last question of this section, very short answer. Name the different elements of Windows 7 screen. So, the different elements of Windows 7 screen are desktop, icon, mouse pointer, taskbar, start button, and clock. Okay, student? Clear? That? So, MCQ and very short question answer. Write to your in notebook. Okay, student? Complete. And in the next class, we will discuss about the short answer and other question. Okay? So, thank you so much, student. Have a good day.